नमस्ते, मैं मुन्नू शर्मा। मेरे वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हम हैं दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में, और तमिलनाडु राज्य के प्रसिद्ध शहर विलोर में हम हैं। विलोर एक निजी कारण से आना हुआ था, तो हम आगे भी आपको बताएंगे कि किस लिए यहाँ आए हुए हैं। लेकिन सबसे पहले ये जो विलोर है शहर, इसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, इसके बारे में हम बताना चाहेंगे। विलोर शहर जो है वो पलार नदी के तट पर बसा हुआ है, और यहाँ ब्रिटिश काल में जो अंग्रेज़ों के साथ जो लड़ाई थी, यहाँ से शुरुआत इसकी यहाँ से भी हुई थी। साथ ही इस शहर की एक अपनी समृद्धि, संस्कृति और विरासत है, जो द्रविड़ संस्कृति और सभ्यता को आज भी यह शहर अपना प्रतिनिधित्व करते हुए आगे बढ़ रहा, उसकी संस्कृति को लेकर यह शहर आगे बढ़ रहा। पहले के प्राचीन काल में पल्लव, नायक, चोल, मराठा जो साम्राज्य हुआ करते थे, बीजागढ़ साम्राज्य का यह पूरा जो क्षेत्र है उनके अधीन था, उनका साम्राज्य यहाँ रहा था। और अगर भौगोलिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो यह क्षेत्र जो है पहाड़ी से घिरा हुआ है, और यहाँ के जो टेम्परेचर है वो अभी 40 डिग्री है, गर्मी यहाँ काफ़ी है। तो विशेष रूप से यहाँ आने का मेरा उद्देश्य था कि किसी निजी कारण से हम विलोर आए हुए थे, तो बहुत लोगों के लोग यहाँ ट्रीटमेंट कराने आते थे, क्योंकि स्पेशली लोग जानते हैं कि विलोर में इलाज अच्छा होता है और लोग यहाँ आते हैं। तो इसी बीच में हम भी सुने थे, तो CMC जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, CMC यही कॉलेज है, और हम लोग इस कॉलेज को देखने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ पे भारत ही नहीं, फिर से हम बताना चाह रहे हैं, यहाँ भारत ही नहीं, विदेश से भी लोग अपना आकर यहाँ इलाज करा रहे हैं, और भारत के तो लोग हैं ही, अलग अलग बीमारियों का इलाज यहाँ बेहतर रूप में होता है। और जिन लोगों ने यहाँ इलाज कराया और यहाँ से ठीक होके गए, वो लोग यहाँ का नाम बहुत लेते हैं, और यह एक अच्छा ऑप्शन है। जो लोग कहीं थक जाते हैं, लगता है कि भाई अब नहीं कहीं हम इलाज करा पाएंगे, तो यहाँ आ सकते हैं विलोर के लिए। तो विशेष रूप से हम घूमने के लिए हम भी विलोर आए हुए हैं, CMC काम मेरा कहीं और था, घूमने के लिए यहाँ आए। ये जो पुराना कैंपस है, इसके साथ ही यहाँ से 27 किलोमीटर की दूरी पर रानीपेट एक जगह है, वहाँ पर इसका एक ब्रांच बना हुआ है जो न्यूरो और कार्डियोलॉजी के लिए स्पेशल बना हुआ है। रानीपेट में एक बड़ा कैंपस इसका बना है, वो कैंपस 80 एकड़ में फैला है। कल हम वहाँ चलेंगे और वहाँ के बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। वो बड़ा कैंपस है, लेकिन ये मेन कैंपस बोला जाता है। यहाँ दो गेट है मेन कैंपस के साथ, सिल्वर गेट और एक जुबली गेट, तो दोनों में यहाँ ट्रीटमेंट अच्छा होता है। और हम आज पूरा दिन जो है यहाँ अंदर गए, घूमे और यहाँ का अरेंजमेंट देखे, व्यवस्था देखे, तो बहुत ही अच्छा लगा यह सिस्टम। और कुछ कुछ लोगों से भी बात भी किए जो अलग अलग देश से आए हैं, वो भी बताए कि हम यहाँ इलाज कराए, वहाँ इलाज कराए, तो ठीक नहीं हुआ, यहाँ आए तो सेटिस्फेक्शन मिला। तो बहुत लोगों से मिल के और ऐसे भी सुने भी हम थे, तो आए और आज देख के अच्छा लगा। तो अभी 2-3 दिन यहाँ रुकना है, और इसके बाद हम कल पहले रानीपेट चलेंगे, उसके बाद विलोर के और भी कुछ आपको जानकारियाँ देंगे। ये बस है उसका, इसे थोड़ा दिखा दीजिएगा, यहाँ का बस जो सर्विस है फ्री सर्विस है, रानीपेट जाने के लिए यहाँ से फ्री सर्विस बस का है। ये तो स्टाफ का बस है, और ये सिटी है पीछे, CMC विलोर जो गेट है उसके बगल में रवि अन्ना का शॉप है, जो
जो गन्ना का जूस बेचते हैं, और इवनिंग के टाइम में जो नारियल पानी है इनके द्वारा लगाया जाता है। रवि अन्ना, क्या है रवि अन्ना, आप जूस पिएगा? आप रवि अन्ना यहीं से हैं? यस रवि। अच्छा, और ये मिसेज है आपकी? मिसेज है आपकी वाइफ? मैं वाइफ। अच्छा, इनकी रवि अन्ना की वाइफ है, बहुत बहुत अच्छा इनका बिहेवियर है। रोज इनके पास अभी जब से आए हैं तो नारियल पानी और गन्ना का जूस पी रहे हैं। रवि अन्ना मेरा यूट्यूब चैनल है और सभी लोग इसमें जुड़े हैं। आप ठीक है? हाँ हम ठीक है। अच्छा ठीक है रवि। अच्छा ठीक है। हेलो गुड इवनिंग, अभी शाम हो गया है, अब हम भिलोर के जो पास में मार्केट है वहाँ आए हैं कुछ कुछ सामान लेने के लिए और घूमने के लिए भी। यहाँ बहुत भीड़ है, लोग अपना ट्रीटमेंट कराने के बाद यहाँ जो रुकते हैं, बहुत तरह का यहाँ लॉज है रुकने के लिए, अलग अलग जो जगह से लोग आते हैं। पूरा एरिया रेजिडेंशियल एरिया जैसा है, कुछ लॉज है, कुछ होटल्स हैं, तो लोग यहाँ पे अभी शाम में निकले हैं मार्केटिंग करने के लिए अपना। तो अब चलते हैं, देखते हैं यहाँ का जो मार्केट है भिलोर का, घूमते हैं। और आप लोग भी अब देखिए, आज यहाँ का टेम्परेचर 37 डिग्री है। फ्लावर्स की दुकान है सर। फ्लावर मार्केट है, हाँ हाँ